नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट हमारी जो सीरीज चल रही है वो सीरीज़ है प्लॉट चेन से लेकर भवन निर्माण तक और भवन निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में जितने भी विषय घर से संबंधित है वो सारे विषय मैं अपनी सीरीज में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आप मेरी वीडियो देख रहे तो ये सीरीज़ आपके लिए है आज का विषय है ओपन एरिया किस दिशा में कितना रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी दिशा ओपन होनी चाहिए और कौन सी दिशा कवर्ड होनी चाहिए आपके प्लॉट का साइज बड़ा है और आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है उत्तर मुखी है तो ऐसे में आपको ओपन एरिया कहाँ पर कितना छोड़ना चाहिए आप अपने प्लॉट के अंदर चारों तरफ से ओपन एरिया रखकर बीच में बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है क्योंकि आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है तो ऐसे में आपने अपने प्लॉट के साउथ के भाग में ओपन एरिया जितना भी आप ओपन एरिया रखते हैं उससे ज़्यादा ओपन एरिया आपका नॉर्थ में होना चाहिए मान लीजिए आपने साउथ के भाग में पंद्रह फिट ओपन एरिया रखा है तो नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में आपका पंद्रह फिट प्लस ओपन एरिया होना चाहिए सोलह फिट भी हो सकता है सत्रह फिट भी हो सकता है बीस फिट भी हो सकता है और ऐसे ही आप वेस्ट में ओपन एरिया रखते हैं आपने वेस्ट में दस फीट का ओपन एरिया रखा है तो आपका ईस्ट में ग्यारह फीट बारह फीट पंद्रह से ज्यादा ओपन एरिया ईस्ट में होना चाहिए किससे वेस्ट से ज्यादा ओपन एरिया होना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके प्लॉट का वास्तु सही हो जाएगा अब नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है और आप इसमें थ्री साइड ओपन रखना चाहते हैं तो आपको अपनी बिल्डिंग वेस्ट की दीवार के साथ बनानी चाहिए साउथ में ओपन एरिया रखना है तो साउथ में ओपन एरिया कम होगा नॉर्थ में ओपन एरिया ज़्यादा होगा ऐसे ही ईस्ट में आप कितना भी ओपन एरिया रख सकते हैं क्योंकि आपने सारी बिल्डिंग वेस्ट की दीवार के साथ बनाई है तो आप ईस्ट में ओपन एरिया जितना चाहें उतना रख सकते हैं पाँच फीट का ओपन एरिया रखना है सात फीट का रखना है दस फीट का ओपन एरिया रखना है जैसा आपके पास स्पेस है वैसा ओपन एरिया आप रख सकते हैं आपके प्लॉट का साइज यदि आपके प्लॉट का साइज कम है आपके प्लॉट की चौड़ाई कम है उसमें आप वेस्ट की दीवार पर और ईस्ट की दीवार पर पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं फ्रंट में ओपन एरिया रख रहे हैं और बैक साइड में ओपन एरिया रख रहे हैं यानी साउथ में भी ओपन एरिया रखना चाहते हैं और नॉर्थ में भी ओपन एरिया रखना चाहते हैं तो उसमें आपने साउथ में ओपन एरिया कम रखना है और नॉर्थ में ओपन एरिया ज्यादा रखना है ऐसा करने से आपके प्लॉट का वास्तु सही हो जाएगा आपकी बिल्डिंग सही दिशा में बन जाएगी और आपका ओपन एरिया भी बिल्कुल सही हो जाएगा ऐसे ही आप कॉर्नर में बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में बिल्डिंग बना सकते हैं उसमें ईस्ट में भी ओपन एरिया रख सकते हैं और नॉर्थ में भी ओपन एरिया रख सकते हैं सारे बिल्डिंग आपकी साउथ की दीवार पर और वेस्ट की दीवार पर बन जाती है ऐसा करने में भी कोई वास्तु दोष नहीं लगता ऐसी बिल्डिंग उस घर में रहने वालों के लिए फलीभूत होती है लाभदायक होती है बस आपने ध्यान रखना है कि जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो एज पर वास्तु होना चाहिए आप भी हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे अपनी साइट का मैप भेजकर ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप हमारे यहाँ से मैप बनवाना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपके घर को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो मेरी ये सीरीज चल रही है प्लॉट चयन से लेकर भवन निर्माण तक और भवन निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इसकी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक, तक के लिए नमस्कार